अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज सुबह हम उठे तो बाहर अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और एकदम से अचानक और बच्चे बाहर थोड़ा सा खेलने चले गए। मैंने कहा चलो वॉक कर लो आप लोग, तो बाहर गली में ये थोड़ी सी इन्होंने वॉक की। और ये रियो ने भी बारिश में नहाया है। रियो बेबी, आप निकल के आए थे? आप निकल के आए थे? ये बेबी है, ये बेबी। अब कर दो, अब कर दो। आवा ये बेबी बोलो। शाबाश। बच्चों ने कहा कि मम्मा भिंडियां बना दें, फिर मैंने भिंडियां काटी और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के तो भिंडियां फ्राई की पहले। तो फ्राई करने के बाद मैंने प्याज डाला और उसको फ्राई किया, और उसके बाद इसमें सारे स्पाइसेस डाल दिए। दूसरी तरफ मैं चावल भी साथ साथ बॉईल कर रही थी, तो मैंने सारा इसके अंदर स्पाइसेस मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो में बताऊंगी। बहरहाल इसमें से सारे स्पाइसेस डाल के भिंडियाँ मेरी रेडी होगी एक साइड पे। तो एंड पे मैं दही डालती हूँ, ज़रा उसकी बनाई अच्छी तरह की जाए तो उसमें बहुत मज़े की बनती हैं। साथ ही मैंने दूसरे हंडिया, मेरी आदत है कि मैं दो बनाती हूँ, फिर मैंने प्याज फ्राई किया, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, कीमा भुना, टमाटर और ग्रीन चिली डाल के, तो और सारे स्पाइसेस डाल के, तो इसको मैंने कीमे को ना प्रेशर लगा दिया, सारे स्पाइसेस भी डाल के, थोड़ा सा पानी डाला तो प्रेशर लगा दिया। प्रेशर को लगाने के बाद मैंने भिंडियाँ रेडी कर लीं कि उसमें सारा मटेरियल रेडी था। उसके बाद इसको कीमे का प्रेशर खोला तो उसकी बुनाई अच्छी तरह की। आप जितनी ज़्यादा इसकी किसी भी खाने को बनाए कोशिश किया करें ज़्यादा बुनाई करने की। और जब इसका ऑयल निकला तो मैंने इसमें गोभी डाल के तो गोभी को रेडी कर लिया। तो इसके बाद मुझे आदत है दोपहर में चाट बनाने की, तो मैं खाती हूँ, मैं और रिजवान। तो आज मैं अकेली खा रही थी, रिजवान आउटिंग पे थे, तो इधर गोभी भी मेरी रेडी होगी। तो फिर मैंने धनिया और गरम मसाला डाल के इसको दम पे रख के निकाल दिया, और गोभी भी रेडी और भिंडियाँ भी रेडी। को फीवर बहुत तेज़ था, फिर मैंने इसे गोभी चावल खिलाए तो इसने खाए। इसके बाद मैंने इसको सीरप देना था ताकि इसका फीवर उतर जाए। तो फिर रात को इसको डॉक्टर पे लेके गई, फिर मैं बाज़ार गई, मैंने अपने बहनोई के लिए कपड़े लेने थे तो उनके लिए फिर मैंने कपड़ों की शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद वापस आके फिर मैंने हंसा के लिए डॉक्टर पे इसको साथ ही डॉक्टर पे ले गई। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मेरे हफ्सा के इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलूँगी अब मैं इंशाल्लाह कल, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।